जय हिंद। स्वागत है दोस्तों। मातृभाषा हिंदी को शिखर तक पहुंचाना है, भारत की राष्ट्रभाषा बनाना है, हिंदी हित में, राष्ट्र हित में हिंदी को अपनाना है। हिंदी भाषा की आज की क्लास में हम समास का ट्रिक, थ्योरी और प्रैक्टिस के साथ संपूर्ण अध्ययन करेंगे और समास के विभिन्न भेद, उत्तर पद और पूर्व पद के आधार पर भी हम समास का संपूर्ण अध्ययन करेंगे। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की हिंदी भाषा की क्लास, समास। परीक्षा में अक्सर समास से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जानकारी के अभाव में अक्सर हमसे इसके आंसर में गलतियां हो जाती हैं। शब्द निर्माण की प्रक्रिया का महत्वपूर्ण टॉपिक है समास, और समास को जड़ से समझने के लिए समास के अर्थ और समास के भाव को अच्छी तरह से समझना पड़ेगा। तो समास का अर्थ क्या होता है दोस्तों? शब्द निर्माण की प्रक्रिया के अंतर्गत हम देखते हैं कि समास यानी समाहार या मिलाप। किसका समाहार होता है, किसका मिलाप होता है, किसको मिलाया जाता है? दो अलग अलग शब्द जब मिल जाते हैं और उनके मिलने से एक नया शब्द बनता है, नए शब्द का निर्माण होता है, तो यह प्रक्रिया समास के रूप में देखी जाती है। तो समास के अंतर्गत सीधी सी बात है कि दो अलग अलग शब्दों को मिलाया जाता है, दो से अधिक भी हो सकते हैं, और इसी के आधार पर इसकी परिभाषा बनी है। दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक शब्द बना लिया जाता है, इस प्रक्रिया को हम समास के नाम से जानते हैं। तो समास यानी कि दो अलग अलग शब्दों को मिलाकर बनाया गया, इस पूरी प्रक्रिया को समास कहते हैं। यानी हम समास के द्वारा शब्दों का संक्षिप्तीकरण करते हैं, और समास यही बतलाता है कि शब्दों का संक्षिप्तीकरण कैसे किया जाए, शब्दों को कैसे उनका समाहार मिलाप किया जाए। तो दोस्तों, समास, समास के अंतर्गत जो पद होते हैं, यानी जो समास का पहला पद होता है, उसे हम पूर्व पद के नाम से जानते हैं, पूर्व पद कहते हैं। समास का जो दूसरा शब्द यानी दूसरा पद जो होता है, उसे हम उत्तर पद के नाम से जानते हैं। समास के अंतर्गत दो अलग अलग शब्दों से मिलकर एक नया शब्द बनता है। पहला वाला जो शब्द होता है, पहला पद या पूर्व पद कहलाता है। दूसरा वाला जो शब्द होता है समास के अंतर्गत, उसे हम दूसरा पद या उत्तर पद के नाम से जानते हैं। और जब ये पहला वाला पूर्व पद और दूसरा वाला उत्तर पद दोनों मिल जाते हैं, और दोनों के मिलने से एक नया शब्द बनता है, तो उसे हम समस्त पद कहते हैं, और इसी समस्त पद का हम समास विग्रह करते हैं। तो समास विग्रह क्या होता है? जिन पदों के मेल से जो सामासिक शब्द बनता है, और उस सामासिक शब्द को यानी समास वाले शब्द को जब हम अलग अलग करते हैं, तो इस प्रक्रिया को हम समास विग्रह कहते हैं। यानी समास जो शब्द है, उस शब्द को अलग अलग करना, यानी वापस पूर्व पद और उत्तर पद को निकाल कर अलग करना, यह समास विग्रह कहलाता है। तो दोस्तों, समास के कितने भेद हैं? समास के कुल छः भेद हैं। पहला अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा द्विगु समास, पांचवा द्वंद्व समास, और छठा बहुव्रीहि समास। दोस्तों, समास के मूल चार ही भेद हैं, लेकिन हिंदी के अंतर्गत हम जब समास का अध्ययन करते हैं, तो इन छह भेदों का अध्ययन करते हैं। एग्जाम में आपको समास के भेद के ऊपर छह पर टिक लगा के आना है, और इसको समझने के लिए अलग अलग ट्रिक को काम में लिया जाता है। जैसे एक है द्वंदी अब तक, यानी द्वंदी अब तक, द्व से द्वंद्व समास, दी से द्विगु समास, अ से अव्यय भाव समास, ब से बहुव्रीहि समास, और तक से तत्पुरुष और कर्मधारय समास। ये समास के छह भेद हैं, बड़े ही आसान हैं, और इनको याद रखना। अव्यय भाव समास प्रथम समास का, इसमें पूर्व पद प्रधान होता है। साधारण से रूप में ध्यान रखना है उत्तर पद और पूर्व पद के आधार पे, कि उत्तर पद किसमें प्रदान होता है, पूर्व पद किसमें प्रदान होता है, यही समास के भेद के आधार बनाए गए हैं। अव्यय भाव समास में पूर्व पद प्रदान होता है और उत्तर पद गौण रहता है। अब देखा जाए तो जो पूर्व पद होता है वो उपसर्ग के रूप में आता है, यानी अव्यय भाव समास में पहचान के रूप में याद रखना, उपसर्ग दिखाई देगा। क
कौन कौन से उपसर्ग, यथा आ अन प्र प्रति निर वे आदि उपसर्ग आपको शब्द के शुरुआत में नजर आ जाएगा। शब्द का पहला पद अव्यय रहता है, अपरिवर्तित रहता है, अव्यय यानी जो वे ना हो तो उपसर्ग दिखाई देगा। प्रथम पद पूर्व पद हमेशा प्रधान रहता है, इसके कुछ उदाहरण देख लीजिए, समझने में आपको आसानी रहेगी। यथाशक्ति शक्ति के अनुसार, इसका ये विग्रह हो गया, ये समास का शब्द है। ये यथाशक्ति दो अलग अलग शब्दों से बना है, यथा और शक्ति से। शक्ति का अर्थ अलग है, यथा का अर्थ अलग है। हिंदी में यथा और शक्ति दो अलग अलग शब्दों से, यथाशक्ति एक शब्द का निर्माण हुआ और इस शब्द का निर्माण हुआ है, तो यथाशक्ति शब्द का अर्थ क्या निकला, ये अर्थ ही बतलाता है समास। तो यथाशक्ति का अर्थ हुआ शक्ति के अनुसार, आजन्म का अर्थ हुआ जन्म से लेकर, प्रतिदिन का अर्थ हुआ दिन दिन या हर दिन, आमरण का अनशन हुआ, आमरण का अर्थ हुआ मरण पर्यंत यानी मृत्यु पर्यंत, रातों रात का, रात ही रात में, भरपेट का पेट भर कर, अनजाने का जाने बिना, बेमतलब मतलब के बिना यानी बिना मतलब के। तत्पुरुष समास क्या होता है, पदों के आधार पे इनका वर्गीकरण विभाजन किया गया है। अव्ययभाव समास में प्रथम पद प्रधान था, तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है और पूर्व पद हमेशा गौण रहता है, यानी उत्तर पद की प्रधानता होती है तत्पुरुष समास में। पहला जो पद है यानी उत्तर पद, उसके विभक्ति चिन्ह कारक चिन्ह जो होते हैं, जब दो शब्दों को मिलाया जाता है तो उनका लोप हो जाता है, गायब हो जाते हैं, लुप्त हो जाते हैं। उत्तर पद के विभक्ति चिन्ह कारक चिन्ह कौन कौन से विभक्ति चिन्ह समास विग्रह करने पर आपको बीच में लगाने पड़ते हैं, का की को के कारक चिन्ह के लिए, में से पर आदि कारक चिन्ह जब समास विग्रह करेंगे तो आ जाते हैं। ये तत्पुरुष समास में होता है, पहचान के रूप में ध्यान रखना, कारक चिन्ह आते हैं। नया शब्द बना गृह कट, दो अलग अलग शब्द, गृह अलग कट अलग, तो गृह को काटने वाला, तो गृह कट यानी गृह शब्द का जो कारक चिन्ह को विग्रह करने पर आ गया तो गृह कट हो गया। शरणागत, शरण प्लस आगत, दो अलग अलग शब्द, शरणागत शरण को आगत, को विभक्ति चिन्ह कारक चिन्ह आ जाएगा। धनहीन, धन से हीन, जिसके बाद धन नहीं है। राजकुमार, राजा का कुमार, ये कारक चिन्ह आपको नजर आ रहे हैं, ये कब नजर आएंगे, जब आप इसका समास विग्रह करेंगे। जलधारा, जल की धारा। विद्यालय, विद्या के लिए आलय, विद्या के लिए जो स्थान है आलय यानी। कार्य कुशल, कार्य में कुशल। वनवास, वन में वास, ये कारक चिन्ह आपको नजर आ रहे हैं। ये कारक चिन्ह जिस समास में अगर होंगे वो होगा तत्पुरुष समास, इतना आपको ध्यान रखना है। अगला समास है कर्मधार्य समास। कर्मधार्य समास में क्या होता है दोस्तों, पहला पद विशेषण के रूप में आता है, विशेषता बतलाने वाला, और दूसरा पद होता है विशेष्य यानी वो चीज जिसकी पहले पद के द्वारा विशेषता बतलाई जा रही है। या तो पहला पद विशेषण होगा, दूसरा विशेष्य यानी जिसकी विशेषता बताई जा रही है, या फिर पहला पद उपमान होगा और दूसरा पद उपमेय होगा। अलंकार में देखा है आपने उपमान उपमेय, उपमेय जिसकी विशेष जिसकी तुलना की जाती है, उपमान जिससे तुलना की जाती है। दूसरे पद की विशेषता बताई जाती है क्योंकि वो विशेष्य है, दूसरे पद की तुलना की जाती है उपमेय के रूप में। जब हम समास विग्रह करते हैं तो आपको ये दो शब्द, अगर समास विग्रह शब्द को तोड़ के देखना, शब्द को तोड़ के देखोगे, देखने पर आपको बीच में जो चिन्ह नजर आ जाए उसी से आप समास को पहचान सकते हो, कोई सा भी हो। है जो शब्द नजर आ जाए या के समान, है जो और के समान, ये दो शब्द नजर आ जाए समास विग्रह करने पे तो कर्मधार्य समास है।
उदाहरण देख लीजिए दोस्तों, नील कमल, नील कमल को तोड़ोगे तो क्या अर्थ निकलेगा, आप अपने आप स्वयं से बोल के देख लीजिए। नीला है जो कमल, यानी नीला कमल, नील कमल, नीला है जो कमल। काली मिर्च, काली है जो मिर्च। अधपका, आधा है जो पका। घनश्याम, घन के समान श्याम। चरण कमल, चरण के समान, कमल के समान चरण। महाराजा, महान है जो राजा। विद्याधन, विद्या रूपी धन। चंद्रमुख, चंद्र जैसा मुख। यहाँ दोनों में उपमेय और उपमान आया है। उपमेय उपमान, ऊपर वालों में विशेषण और विशेष्य आया है। ये विशेषण और विशेष्य को बतलाता है। प्रथम वाला शब्द विशेषण है, विशेषता बतलाने वाला है, और बाद वाला शब्द जो है इसकी विशेषता बताई जा रही है। जैसे कि काली मिर्च को लो तो मिर्च की विशेषता बताई जा रही है, कैसी मिर्च है, काली, तो काली विशेषण हो गया, मिर्च विशेष्य हो गया। विशेष्य यानी जिसकी विशेषता बतलाई जा रही है। द्विगु समास क्या होता है दोस्तों? द्विगु नाम से ही अर्थ है, द्वि यानी दो, जिसमें पहला पद संख्यावाची हो, संख्यावाचक पहला पद, और ये किसी समूह का बोध कराता है। क्योंकि अगर संख्यावाची पद है तो वो समूह का ही बोध कराएगा, सीधी सी बात है। समूह का बोध कराता है क्योंकि संख्यावाचक पहला पद होता है। जैसे चौराहा, चो शब्द चार के लिए आया है, तो चौराहा मतलब चार रास्तों का समार, चार राहों का समाहार, समूह। नवरात्रि, नव शब्द, नव का मतलब होता है नौ, संख्यावाचक है, नवरात्रियों का समूह। पंचवटी, पंच शब्द पांच के लिए आया है, पांच वटों का समाहार। सप्ताह, सप्ताह यानी सात दिनों का समूह, तो ये संख्यावाचक होता है। द्वंद्व समास को देखिए दोस्तों, द्वंद्व समास क्या होता है? द्वंद्व समास के अंतर्गत दोनों पद यानी पूर्व पद और उत्तर पद दोनों प्रधान होते हैं, दोनों की प्रधानता रहती है, कोई भी पद गौण नहीं होता, दोनों पद प्रधान होते हैं। कहने का मतलब दोनों बराबर होते हैं, बराबर की हिस्सेदारी रखते हैं, समान होते हैं, दोनों में प्रधानता है, दोनों एक जैसे हैं, दोनों पदों की प्रधानता होती है, दोनों में समानता है। अब दोनों समान कैसे होंगे तो पहचान के रूप में देखना, द्वंद्व समास में या तो विलोम शब्दों का जोड़ा होगा या किसी ना किसी विपरीत लिंग का जोड़ा, माता पिता लिंग, भाई बहन, और विलोम शब्द रात का दिन, सुख का दुख, इस प्रकार के शब्द देखने को मिलेंगे। अधिकतर योजक चिन्ह देखने को मिलेगा द्वंद्व समास में जो शब्द होगा, और जब समास विग्रह करोगे तो आपको उनके बीच में और, तथा, आदि या अथवा जैसे शब्द नजर आएंगे। उदाहरण देख लीजिए दोस्तों, दाल रोटी, योजक चिन्ह नजर आ रहा है, विग्रह करोगे दाल और रोटी दोनों बराबर है। खरा खोटा, खरा और खोटा, इनके बीच में योजक चिन्ह नजर आ रहा है, पाप पुण्य, पाप और पुण्य, यहाँ आपको विलोम शब्द नजर आ जाएंगे। भाई बहन, विपरीत लिंग कह सकते हो, विलोम शब्द कह सकते हो, भाई और बहन दोनों बराबर है, समान है, दोनों का पूर्ण अधिकार है, इसीलिए ये द्वंद्व, दोनों के बीच में द्वंद्व है समानता के कारण। ठंडा गरम, ठंडा या गरम, लाभालाभ, लाभ या अलाभ, खाना पीना, खाना पीना आदि, यानी खाने पीने से संबंधित सारी प्रक्रिया, रुपया पैसा, रुपया पैसा आदि, संपूर्ण धन दौलत जायदाद, तो ये द्वंद्व समास के उदाहरण हैं। बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास सबसे मुख्य है। अगर उदाहरण में आपको बहुव्रीहि समास लग रहा है तो आप उस पर बहुव्रीहि पे टिक करके आना सर्वप्रथम। बहुव्रीहि में क्या होता है, दोनों पद अप्रधान होते हैं, यानी अप्रधान है मतलब गौण है, दोनों पद अप्रधान है। द्वंद्व में दोनों प्रधान थे, बहुव्रीहि में दोनों अप्रधान है, गौण है। तो अप्रधान क्यों है, क्योंकि
बहुबिरी में जो अर्थ निकलेगा वो तीसरा अर्थ निकलेगा किसी अन्य के बारे में। समस्त पद का अपने पदों से भिन्न भिन्न यानी अलग किसी तीसरे के बारे में बोध कराया जाता है। जैसे कि देवी देवताओं के अक्सर नाम आते हैं बहुबिरी समास में, इसके लिए किसी एक शब्द विशेष का जो उन देवी देवताओं की पहचान है उस शब्द विशेष को काम में लिया जाता है। व्यक्ति विशेष की पहचान बन चुके शब्द भी आते हैं, जैसे रावण की पहचान, महात्मा गांधी की पहचान, कोई धोखेबाज की पहचान, जयचंद, ऐसे जो पहचान बन चुके हैं ऐसे शब्द भी आते हैं बहुबिरी के अंतर्गत। और दोनों पदों से कोई लेना देना नहीं होता, उसका तीसरा अर्थ निकलता है भिन्न अर्थ किसी और के बारे में, अधिकतर देवी देवताओं के बारे में आते हैं जो उनकी पहचान बन चुके शब्द आते हैं। उदाहरण देख लीजिए, मृत्युंजय, मृत्युंजय मृत्यु को जीतने वाला कौन है, यानी भगवान शंकर। चक्रपाणि, चक्र है पाणी में जिसके, पाणी यानी हाथ, कौन है, चक्र किसके हाथ में होता है, भगवान विष्णु के हाथ में। दशानन, किसकी पहचान बन चुका है दशानन शब्द, दस है आनंद जिसके, आनंद यानी मुख यानी रावण। लंबोदर, लंबा है उधर जिसका, उधर यानी पेट, किसका लंबा है, भगवान गणेश का। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, कंठ किसका नीला है, पहचान किसकी है नीलकंठ, भगवान शंकर की। निराश, जिस व्यक्ति में आशा नहीं होती ये पहचान बन चुकी है। अनंत, अंत नहीं जिसका, जितेंद्रिय, जीत ली है इंद्रियां जिसने, यानी अधिकतर देवी देवताओं के नाम आपको देखने को मिलेंगे, ये उनकी पहचान बन चुके हैं। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों अपने परिवार वालों के साथ, और हमारे YouTube चैनल हिंदी अकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।